खबर है रांची की। झारखंड के रेशम के धागों को हिरोकर अब उसे खूबसूरत साड़ियों का रूप दिया जा रहा है। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिससे पूर्व तक झारखंड सिर्फ तसर का उत्पादन करता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड राज्य खादी बोर्ड की यह नई पहल है। बोर्ड के चंडील स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू किया है। ये साड़ियां गुणवत्ता में काफी अच्छी मानी जा रही है। चंडील के केंद्र में तसर धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइनिंग तक का काम किया जा रहा है। अभी उत्पादन सीमित मात्रा में है, पर धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना है। बोर्ड अब आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साड़ियों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है। इससे राज्य के बुनकरों को रोजगार और झारखंड से बनी साड़ियों को बाजार मिलेगा। चांडिल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र से बुनकरों एक साड़ी बनाने में तकरीबन 3 दिन का समय लगा रहे हैं। इन साड़ियों की डिजाइन आकर्षक है, लेकिन सरकार की ओर से इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास न किए जाने का इन्हें सख्त मलाल है। रक्षाबंधन पर बहनों द्वारा महारत हासिल है। यहाँ के बुनकरों ने इस काम को अलग पहचान दिलाई है। पिलखुआ में मुख्य रूप से इस कारोबार से नगर के बुनकर समाज के लोग जुड़े हैं। इन्होंने अपने घरों में ही छोटी छोटी करीब 100 से ज्यादा यूनिट लगा रखी है, जिनसे हजारों लोगों के रोजगार मिला हुआ है। लेकिन अभी ऑर्डर नहीं होने से रोजी रोटी का संकट से जूझना पड़ रहा है। रेशम डोरी मोती धागे से बनी राखी फैंसी है, जिनकी कीमत 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है, जबकि पहले बड़ी व गोटा किरण की ही राखियों की ज्यादा मांग रहती थी। ऐसी भी वजह बताई जा रही है।